आई वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्हेन आई स्टार्टेड फोटोग्राफी. मेरी फोटोग्राफी जर्नी की शुरुआत 12 साल पहले हुई और मुझे एक्चुअली उस वक्त ये भी नहीं पता था कि DSLR कैमरा होता क्या है. धीरे 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 प्रैक्टिस करते हुए, पढ़ते हुए और काफ़ी सारे शूट्स करते करते मैंने आज जहाँ पर हूँ मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ. इस दौरान में मैंने काफ़ी सारे शूट किए, काफ़ी ब्रांड्स के लिए शूट किया, गोदरेज, कोक, जियोनी मोबाइल्स, डाबर, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके लिए मैंने एडवर्टाइजिंग शूट किया है जो कि आपने इधर उधर होर्डिंग्स में या मैगजीन्स के अंदर देखे होंगे. फोटोग्राफी में जितना एक फोटोग्राफर इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके इक्विपमेंट्स. अगर एक फोटोग्राफर के पास उसके अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हैं तो शायद वो उतनी अच्छी इमेजरी क्रिएट नहीं कर सकता. लोग अक्सर ये बात करते हैं कि कौन सा कैमरा आप यूज़ कर रहे हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ्रेंकली स्पीकिंग एक कमर्शियल फोटोग्राफी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या गैजेट यूज़ कर रहे हो, आपके पास कौन सा कैमरा है, आपके पास कौन सा लेंस है, आप किस मॉनिटर के ऊपर अपनी इमेजेस को एडिट करते हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. मैंने सबसे पहले जो ट्राई किया वो किया CG279X मॉनिटर, जो कि मेरा प्राइमरी मॉनिटर है. उसके ऊपर ही मैं अपने सारे के सारे कमर्शियल एडिट्स करता हूँ. इस मॉनिटर को जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ तब से एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई है कि जो भी मैं एडिट कर रहा हूँ या जो ये मॉनिटर मुझे दिखा रहा है उसमें कलर एक्यूरेसी है. तो जब से मेरे पास में ये ISO का मॉनिटर आया है तब से एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि जो भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ इमेजेस वो परफेक्ट एक्यूरेट इमेजेस हैं. CG279X को यूज़ करने के बाद में मैंने एक और मॉनिटर लिया ISO का, जो कि CS2410 है. इट्स एन अफोर्डेबल मॉनिटर. CS2410 अब मेरा टीदरिंग सेटअप के ऊपर रहता है. शूट करते टाइम पर मुझे पता है कि क्या कलर्स आ रहे हैं मेरे पास में, और उसके बाद जब मैं एडिट करता हूँ CG279X के ऊपर, सो अगेन इट्स अ परफेक्ट एक्यूरेट मॉनिटर. तो मेरी जो इमेजेस हैं वो बहुत अमेजिंग और एक्यूरेट निकलती हैं. My advice for budding photographers would be के keep practicing. Practice नहीं करोगे तो आप अच्छी images produce नहीं कर पाओगे, और अच्छी images produce नहीं कर पाओगे तो photographer नहीं बन सकते. साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आपके पास में एक अच्छा camera, एक lens और प्लीज़ एक अच्छे मॉनिटर के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए. और मैं सजेस्ट करूँगा कि ISO के जो मॉनिटर्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट मॉनिटर्स हैं. आपका मैक्सिमम जो टाइम है वो एडिट करने पे निकलेगा. आप ज़्यादा टाइम अपना स्क्रीन के सामने आप बिताएंगे तो स्क्रीन ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी आईज़ पे स्ट्रेस ना डाले, आपको कलर जो है वो परफेक्ट दिखाए, उसका व्यूइंग एंगल एक्यूरेट होना चाहिए, आपको एज टू एज जो है कलर सेम मिलना चाहिए. सो ये सारी की सारी चीज़ें ISO मॉनिटर्स में हैं. सो मैं आपको यही बोलूँगा, कीप शूटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और एक ना एक दिन आप अच्छे फोटोग्राफर ज़रूर बन जाएंगे. Thank you.